जब आप एक जुडिशियल एस्पिरेंट होते हैं तो आपके मन में बहुत सारे ख्याल होते हैं जज बनने के बाद, बहुत सारे ख्याल होते हैं। मैं आप लोगों के कुछ ख्यालों को सही से बता देता हूं कि एक्चुअल में क्या पूरा होगा और क्या पूरा नहीं होगा, ठीक है। भाई तनवीर जी का एक सवाल है कि जज की सोशल लाइफ क्या होती है। तो जब आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो क्वालिफाई करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलने में कम से कम 3 महीने लग जाते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर आने के बाद आने में आपको 3 महीने लग जाते हैं। जब 3 महीने आपको लग रहे होते हैं तो उस केस में आपके घर पे भर भर के मिठाइयाँ आ रही होती हैं, आपके रिश्तेदार आने शुरू हो जाते हैं कि भाई अरे लड़के ने जज का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, अरे मुबारक हो, दावत तो ये हो वो हो। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं, आपका नाम अखबार में छपता है, लोग आपसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं, बहुत सारे LLB वाले लोग वो भी आके पूछते हैं भाई बताइएगा कैसे हमें जुडिशरी का एग्जाम क्वालिफाई करना है। लोग आपको अपना आइडल मानना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर जब तक नहीं आ जाता तब तक का समय बीतता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप यहां जज बनकर अपॉइंट होते हैं। भाई जब आप जज बनकर अपॉइंट होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए एक कोर्ट आपको अलग से दे दिया जाता है, ऐसा नहीं होता। यहां आपको ट्रेनिंग दी जाती है, यहां ट्रेनिंग के टाइम पे आपको किसी एक जज के साथ ड्यूटी फिक्स कर दी जाती है। एक जज के साथ भी कर देते हैं, कभी कभी बदल बदल के भी जज के साथ कर देते हैं। भाई कभी आज इस वाले जज के साथ, कभी जज 2 के साथ, कभी जज 3 के साथ, कभी जज 4 के साथ, ऐसे करके आपकी ड्यूटी दे दी जाती है। भाई 15 दिन आप यहाँ बिताओगे, 15 दिन आप यहाँ बिताओगे, 15 दिन आप यहाँ बिताओगे, 15 दिन आप यहाँ बिताओगे। इस तरीके से आपको यहाँ इन एक्सपीरियंस जजेस के साथ डाइस शेयर करने को मिलेगा। भाई डाइस शेयर करने को मिलेगा एक्सपीरियंस जजेस के साथ, ताकि आप चीज़ों को समझें, ताकि आपको लॉ तो पता होता है बट कैसे कोर्ट मैनेज की जाती है ये आपको समझ आएगा। उसके अलावा यहाँ ट्रेनिंग के टाइम पर ही आपको अलग अलग जगह भेजा जाएगा। भाई अलग अलग डिपार्टमेंट आपको विजिट कराए जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट आपको विजिट कराए जाते हैं, यानी कि आपके साथ आपके बैच में जितने लोग जजेस अपॉइंट हुए होते हैं वहाँ डिपार्टमेंट विजिट होता है। मतलब आज आप इस SHO की चौकी में जाके बैठेंगे, आज आप इस हॉस्पिटल में जाके बैठेंगे, आज आप SP साहब के यहाँ जाके बैठेंगे, आज आप DGP साहब के ऑफिस में जाके बैठेंगे। ऐसे करके अलग अलग ऑफिसेज में आपकी डिपार्टमेंटल विजिट कराई जाती है, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में डिपार्टमेंटल वर्क चलता कैसे है। इसका पर्पज होता है कि आपका डिपार्टमेंटल वर्क कैसे चलता है ये आपको पता चले। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फाइनली आपको ऑलमोस्ट 6 महीने बाद और कुछ जगह साल भर बाद, अच्छा एक ट्रेनिंग और भी है आपकी, यहाँ एक ट्रेनिंग और भी बतानी रह गई। एक होती है एकेडमिक्स ट्रेनिंग, एक तो जजेस के साथ लगती है, एक डिपार्टमेंटल विजिट होती है, एक होती है आपकी एकेडमिक ट्रेनिंग, यानी कि आपको एकेडमी में भेजा जाता है, जुडिशियल एकेडमी में। वहां आप जजेस के साथ अपने बैठ के ट्रेनिंग लेते हैं, ये 15 दिन की ट्रेनिंग होती है। इस 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपका एक एग्जाम लिया जाता है, आपका एक एग्जाम लिया जाता है, ठीक है। इस एग्जाम में आपको अच्छा परफॉर्म करना होता है, अगर आप इस एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो आपको ये एग्जाम दोबारा देना होगा, और जब तक देना होगा जब तक आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर जाते। फिर उसके बाद यहाँ आपको एक कोर्ट दे दिया जाता है, कोर्ट में आपको जज के तौर पर, मैजिस्ट्रेट के तौर पर अपॉइंट कर दिया जाता है। यहाँ कोई भी कोर्ट आपको दे सकते हैं, भाई हो सकता है क्रिमिनल केसेस दे दें, हो सकता है कोई स्पेशल केसेस दे दें, या फिर हो सकता है सिविल केसेस दे दें, फैमिली केसेस दे दें, तो कोई भी कोर्ट आपको मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से आप अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं यहाँ। इसके अलावा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर मैं बताऊं कि पर्सनल लाइफ में आपको क्या क्या परक्विजिट्स मिलते हैं, तो भाई ऑन एन एवरेज अब 95,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक के बीच में आपको सैलरी मिलती है। इसके अलावा भाई आपको एक बेंच क्लर्क मिलता है, आपको एक बेंच क्लर्क मिलता है और एक ऑफिस क्लर्क मिलता है। एक बेंच क्लर्क होता है और एक ऑफिस क्लर्क होता है आपके सामने, ठीक है। ये बेंच क्लर्क होता है आपको बेंच पे हेल्प करने के लिए, ठीक है। बेंच क्लर्क होता है आपको बेंच पे हेल्प करने के लिए, ठीक है। और ऑफिस क्लर्क होता है आपको ऑफिस के काम में हेल्प करने के लिए। भाई जैसे जिसे सुना होगा, भाई ये जाके जरा फाइल वहां रख देना, ये फाइल यहां कर देना, इसके लिए एक पर्सन अपॉइंट कर दिया जाता है जो ऑफिस क्लर्क होता है। तो आपके पास 2 लोग होते हैं। इसके अलावा भाई कुछ स्टेट में आपको कार दी जाती है, कुछ स्टेट में आपको कार नहीं दी जाती। इसके अलावा अगर घर की बात करूं तो आपको जजेस क्वार्टर मिलते हैं, जजेस क्वार्टर मिलते हैं। और अगर आप जजेस क्वार्टर नहीं लेना चाहते तो आप इंडिविजुअल घर ले सकते हैं, तो आपकी सैलरी में आपको HRA मिलेगा। अगर आप जजेस क्वार्टर लेते हैं तो आपको HRA डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको सैलरीज के तौर पर ये बेनिफिट मिलते हैं। भाई कुछ जगह कार पूल मिलती है, कुछ जगह कार इंडिविजुअल भी मिलती है, ठीक है। तो ये 2 लोग आप लोगों के साथ होते हैं। इसके अलावा अगर पर्सनल लाइफ की बात करूं तो ऑफकोर्स भाई बींग अ जज लाइफ में अलग बेनिफिट है,
बीइंग अ जज लाइफ में अलग बेनिफिट है भाई, लोग आपको इज्जत की नजर से देखते हैं, आपको लाइफ में अपनी चीजों को करने में सहूलियत हो जाती है भाई। आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आपकी मदद के लिए लोग होते हैं, क्योंकि आप सिस्टम में बैठे हुए हैं और सिस्टम में एक आप ऊपर पोजीशन पे बैठे हुए हैं, तो लोग आपकी बात मानते हैं, आपको इज्जत देते हैं। तो आपकी लाइफ में जो एक स्ट्रगल होता है चीजों को लेने में भाई, क्या होता है ना कि पैसा कमाने के बाद भी आपकी लाइफ से स्ट्रगल खत्म नहीं होता। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ भाई, आपके पास कितना भी पैसा हो ठीक है, अगर आपने कहीं ट्रेन की टिकट बुक कराई और अगर आपको नहीं मिल रही तो नहीं मिल रही, कुछ हो नहीं सकता उसमें। वही बात अलग रही कि आपने वहां जाके कुछ किया ऐसे करके, मगर अगर आप जज होते हो तो ऑफकोर्स अगर आप ट्रेवल करना चाहते हो तो आपको अलग तरीके से बेनिफिट्स मिल जाते हैं भाई, लेने नहीं चाहिए बट ऑफकोर्स मिलते हैं। इसके अलावा आपके रिश्तेदार आपको वैल्यू देना शुरू कर देते हैं, मगर एक चीज आपको जरूर अपने साथ कैरी करनी होती है, एक चीज आपको अपने साथ जरूर कैरी करनी होती है, ये होता है जुडिशियल डिसिप्लिन। ये कोई आम डिसिप्लिन नहीं है, ये जुडिशियल डिसिप्लिन है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब तो मैं जज बन गया हूं तो मैं गाड़ी के शीशे नीचे करके पंजाबी सॉन्ग सुनता हुआ जाऊंगा, ऐसा नहीं करना होता। इससे पूरी एकेडमी की इमेज खराब होती है, पूरी जजेस फैटर्निटी की इमेज खराब होती है। तो आपको जुडिशियल डिसिप्लिन के साथ जीने की आदत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर किसी पर्सन ने कुछ गलत कर दिया और आपने छूटते ही उस पर हाथ चला दिया, बोले अब तो मैं जज हूं, अब मेरा कौन क्या करेगा, करता कोई कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स आप जज होते हैं बट वैल्यू बहुत खराब होती है, जजेस फेटर्निटी में आपकी वैल्यू खराब होती है और इस केसेस में हाई कोर्ट आपके अगेंस्ट एक्शन लेता है ठीक है। तो ये सारे काम नहीं करने ठीक है, ऐसा नहीं है कि रात को निकल आया बोतल भी उठा लाया, ऐसे गाने भी नहीं गाने ठीक है, इन सारी चीजों से दूर रहना है। एक जुडिशियल डिसिप्लिन के साथ आपको लाइफ बितानी है जहां आप जजेस की इमेज को भी लौटा रहे भाई, जजेस की जो फेटर्निटी है उसकी इमेज को ठेस ना पहुंचे और साथ में लोग आपको आइडल की नजर से देखते हैं, जहां लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं। स्कूल्स में आपके इनविटेशन आते हैं 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे, आपको अलग अलग जगह बुलाया जाता है भाई। ऑफकोर्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट का इंटरेक्शन कम रहता है बट फिर भी कुछ जगह रहता है, जब आप घर पे जाएंगे जहां पोस्टेड नहीं है उसके अलावा आपको वहां बुलाया जाएगा। तो ऐसी जगह जाने के बाद आपके अंदर अगर जुडिशियल डिसिप्लिन है, अपनी बात कह के रखने की क्षमता है, तभी आप अपने करियर में ग्रो कर पाएंगे।